प्रश्न संख्या एक, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? आंसर, पढ़ और लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या दो, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए मैग्नेटिक डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डी ये सभी। आंसर, सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। प्रश्न संख्या तीन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ए मेमोरी, बी इनपुट डिवाइस, सी आउटपुट डिवाइस, डी माइक्रो प्रोसेसर। आंसर, डी माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न संख्या चार, डीवीडी का उदाहरण है? ए आउटपुट डिवाइस, बी हार्ड डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी ऑब्जेक्ट डिस्क। आंसर, सी ऑप्टिकल डिस्क। प्रश्न संख्या पांच, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी आंतरिक मेमोरी, सी प्राथमिक स्टोरेज, डी ये सभी। आंसर, डी ये सभी। प्रश्न संख्या छह, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ए क्रैशिंग, बी ट्रैकिंग, सी फॉर्मेटिंग, डी डाइसिंग। आंसर, सी फॉर्मेटिंग। प्रश्न संख्या सात, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए फ्लॉपी, बी हार्ड डिस्क, सी सीडी, डी रैम। आंसर, डी रैम। प्रश्न संख्या आठ, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? ए डिवाइस, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी डायरेक्ट मेमोरी। आंसर, सी सेकेंडरी। प्रश्न संख्या नौ, डीवीडी क्या है? आंसर, डिजिटल वीडियो डिस्क। प्रश्न संख्या दस, सीपीयू के लिए सामान्य गणित पर फार्म करता है? ए डीआईएमएम, बी बस, सी एएलयू, डी रजिस्टर। आंसर, सी एएलयू। प्रश्न संख्या ग्यारह, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ए पेरिफेरल्स, बी फ्लैश मेमोरी, सी सीएमओएस, डी बस। आंसर, डी बस। प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी ये सभी। आंसर, ए मदरबोर्ड। प्रश्न संख्या 13, पी सी का पूरा नाम क्या है? ए पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी बी और सी दोनों। आंसर, बी पर्सनल कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 14, एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ए रिंग, बी पोर्ट, सी बस, डी येश। आंसर, बी पोर्ट। प्रश्न संख्या 15, कंप्यूटर में आई बी एम का पूरा नाम है? आंसर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्रश्न संख्या 16, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ए बस, बी मिनी, सी यूएसबी, डी मिडी। आंसर, डी मिडी। प्रश्न संख्या 17, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? ए मदरबोर्ड, बी प्रोसेसर, सी सेमीकंडक्टर, डी को प्रोसेसर। आंसर, ए मदरबोर्ड। प्रश्न संख्या 18, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? ए सीपीयू, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव, डी हार्डवेयर। आंसर, सी डिस्क ड्राइव। प्रश्न संख्या 19, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? ए हार्ड डिस्क, बी राम, सी रैम, डी सर्किट बोर्ड। आंसर, डी सर्किट बोर्ड। प्रश्न संख्या 20,
एक सब पेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? ए सीपीयू, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी स्लॉट, डी पेग्स। आंसर सी स्लॉट। प्रश्न संख्या 21। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ए बिट, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बिट। प्रश्न संख्या 22। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी सिस्टम बस, सी एलयू, डी इनपुट यूनिट। आंसर बी सिस्टम बस। प्रश्न संख्या 23। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ए मशीन लैंग्वेज, बी सोर्स कार्ड, सी ऑब्जेक्ट कार्ड, डी असेंबली लैंग्वेज। आंसर ए मशीन लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 24। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस बर्थ, बी जिम क्लार्क, सी निकोलस बर्थ, डी जॉन, जी कैमी। आंसर डी जॉन, जी कैमी। प्रश्न संख्या 25। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ए 1955, बी 1968, सी 1964, डी 1975। आंसर सी 1964। प्रश्न संख्या 26। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? एम एक्स चार, बी चार, सी फ्लो चार, डी हल चार। आंसर सी फ्लो चार। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए काबल, बी बेसिक, सी पास्कल, डी फोर्ट्रन। आंसर डी फोर्ट्रन। प्रश्न संख्या 28। कंप्यूटर भाषा काबल किसके लिए उपयोगी है? ए ग्राफिक कार्य, बी व्यावसायिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी व्यावसायिक कार्य। प्रश्न संख्या 29। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है? ए बेसिक, बी काबल, सी पास्कल, डी फोर्ट्रन। आंसर बी काबल। प्रश्न संख्या 30। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ए सी प्लस प्लस, बी काबल, सी पास्कल, डी फोर्ट्रन। आंसर बी काबल। प्रश्न संख्या 31। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इंफोसिस्टम, सी सन माइक्रोसॉफ्ट, डी आईबीएम। आंसर सी सन माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 32। सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ए कोबोल भाषा, बी फोरट्रान भाषा, सी मशीन भाषा, डी बेसिक भाषा। आंसर सी मशीन भाषा। प्रश्न संख्या 33। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए जावा, बी पास्कल, सी कोबोल, डी बेसिक। आंसर ए जावा। प्रश्न संख्या 34। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ए लैपटॉप कंप्यूटर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी वेब सर्वर्स। आंसर डी वेब सर्वर्स। प्रश्न संख्या 35। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? ए मशीन लैंग्वेज, बी सी, सी बेसिक, डी हाई लेवल लैंग्वेज। आंसर ए मशीन लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। आंसर बी हाई लेवल लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 37।
गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ए लॉजिकल एरर, बी कंपाइलर एरर, सी मशीन एरर, डी ये सभी। आंसर ए लॉजिकल एरर। प्रश्न संख्या 38, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, बी न्यूमेरिक कोड, सी जावा लैंग्वेज, डी ये सभी। आंसर बी न्यूमेरिक कोड। प्रश्न संख्या 39, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? ए हेक्साडेसिमल, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, डी दशमलव। आंसर सी बाइनरी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए कैबी, बी टीबी, सी एमबी, डी जीबी। आंसर बी टीबी। प्रश्न संख्या 41, बिट किसका का लघु रूप है? ए मेगाबाइट, बी बाइनरी लैंग्वेज, सी बाइनरी डिजिट, डी बाइनरी नंबर। आंसर सी बाइनरी डिजिट। प्रश्न संख्या 42, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? ए 64, बी 16, सी 8, डी 512। आंसर सी 8। प्रश्न संख्या 43, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए बिट, बी बाइट, सी मेगाबाइट, डी ये सभी। आंसर ए बिट। प्रश्न संख्या 44, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? आंसर 1024। प्रश्न संख्या 45, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 4, सी 2, डी 8। आंसर सी 2। प्रश्न संख्या 46, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम, डी कोडिंग सिस्टम। आंसर डी कोडिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ए बाइट, बी बिट, सी मेगाबाइट, डी फाइल। आंसर बी बिट। प्रश्न संख्या 48, लॉजिक गेट क्या है? ए एक विशेष सीडी, बी एक सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का सर्किट, डी एक कंप्यूटर गेम। आंसर सी एक प्रकार का सर्किट। प्रश्न संख्या 49, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ए डिजिटल डेटा, बी एनालॉग डेटा, सी मॉडेम डेटा, डी वर्ड्स डेटा। आंसर ए डिजिटल डेटा। प्रश्न संख्या 50, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ए एप्लीकेशन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क, डी यूटिलिटी। आंसर डी यूटिलिटी। प्रश्न संख्या 51, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए बाइट, बी बग, सी यूनिट प्रॉब्लम, डी प्रोग्रामिंग एरर। आंसर बी बग। प्रश्न संख्या 52, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? ए प्रोग्राम, बी सूचना, सी वेबसाइट, डी ऑब्जेक्ट। आंसर बी सूचना। प्रश्न संख्या 53, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है? ए टेस्टिंग, बी डीबगिंग, सी कंपाइलिंग, डी रनिंग। आंसर बी डीबगिंग। प्रश्न संख्या 54, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। आंसर बी हार्डवेयर। प्रश्न संख्या 55, दास का पूरा नाम क्या है? आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 56,
इसमें विषम शब्द है? ए एम एस दास, बी एक्सिस, सी यूनिक्स, डी विंडोज 98। आंसर बी एक्सिस। प्रश्न संख्या 57, यूनिक्स का विकास कब हुआ? ए 1960, बी 1965, सी 1969, डी 1975। आंसर सी 1969। प्रश्न संख्या 58, यूनिक्स की मुख्य भाषा है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी जावा, डी असेंबली। आंसर डी असेंबली। प्रश्न संख्या 59, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी पैकेज। आंसर ए एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 60, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी प्रोग्राम, डी मेमोरी। आंसर ए सिस्टम। प्रश्न संख्या 61, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ए निम्न स्तरीय भाषा, बी उच्च स्तरीय भाषा, सी पास्कल भाषा, डी कोबोल भाषा। आंसर ए निम्न स्तरीय भाषा। प्रश्न संख्या 62, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर भाषा। आंसर ए सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रश्न संख्या 63, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? ए जॉनसन, बी केन थॉमसन, सी रमावर्त कैथरीन, डी रॉड फेंसन। आंसर बी केन थॉमसन। प्रश्न संख्या 64, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रिंटर, डी प्रोसेसर। आंसर बी असेंबलर। प्रश्न संख्या 65, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ए इंटरनेट, बी इंटरकॉम, सी ई प्रोम, डी इंटरफेस। आंसर डी इंटरफेस। प्रश्न संख्या 66, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए यूथ प्रोग्राम, बी फर्म प्रोग्राम, सी स्रोत प्रोग्राम, डी लूप प्रोग्राम। आंसर सी स्रोत प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 67, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ए एम एस डॉस, बी टाइम शेयरिंग, सी विंडोज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी टाइम शेयरिंग। प्रश्न संख्या 68, ओरेकल है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 69, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए नेटवर्किंग, बी संचार, सी अकाउंटिंग, डी डीटीपी। आंसर सी अकाउंटिंग। प्रश्न संख्या 70, सी डी ए का तात्पर्य है? ए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, डी ये सभी। आंसर बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रश्न संख्या 71, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए पेजमेकर, बी एम्स वर्ड, सी जावा, डी ए और बी। आंसर डी ए और बी। प्रश्न संख्या 72, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंपाइलर, डी रनिंग प्रोग्राम। आंसर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 73,
किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? ए प्रोग्राम कोड, बी सोर्स कोड, सी ह्यूमन कोड, डी सिस्टम कोड। आंसर ए प्रोग्राम कोड। प्रश्न संख्या 74। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एक जी क्यूट करता है? ए इंटरप्ट प्रिंटर, बी कंपाइलर, सी कन्वर्टर, डी इंस्ट्रक्शंस। आंसर ए इंटरप्ट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 75। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग, डी सेकंड स्टार्टिंग। आंसर सी रीबूटिंग। प्रश्न संख्या 76। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? आंसर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। प्रश्न संख्या 77। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ए ओपन सोर्स, बी प्रोप्राइटरी, सी शेयरवेयर, डी हिडन टाइप। आंसर ए ओपन सोर्स। प्रश्न संख्या 78। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आंसर पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रश्न संख्या 79। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक से इसके लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? ए डेस्कटॉप, बी टर्मिनल, सी हैंडहेल्ड, डी नोट। आंसर बी टर्मिनल। प्रश्न संख्या 80। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? एमेश, बी रिंग, सी बस, डी स्टार। आंसर सी बस। प्रश्न संख्या 81। नियमों का एक सेट है? ए डोमेन, बी यूआरएल, सी रिसोर्स लोकेटर, डी प्रोटोकॉल। आंसर डी प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 82। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? ए ट्री, बी स्टार, सी मेश, डी रिंग। आंसर सी मेश। प्रश्न संख्या 83। किसका लघु रूप है? ए लार्ज एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नोड्स, सी लार्ज एरिया नोड्स, डी लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर डी लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 84। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए नेटवर्क सर्वर, बी डेस्कटॉप, सी नेटवर्क स्विच, डी नेटवर्क स्टेशन। आंसर ए नेटवर्क सर्वर। प्रश्न संख्या 85। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? ए URL, बी एंकर, सी रेफरेंस, डी हाइपरलिंक। आंसर डी हाइपरलिंक। प्रश्न संख्या 86। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ए CC, बी टू, सी सब्जेक्ट, डी कंटेंट्स। आंसर सी सब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 87। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ए यूजर ग्रुप, बी बैकबोन, सी यूजनेट, डी स्पैम। आंसर डी स्पैम। प्रश्न संख्या 88। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? ए समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता पार्टी, डी लोक जनशक्ति पार्टी। आंसर बी भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न संख्या 89। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी झारखंड। आंसर बी सिक्किम। प्रश्न संख्या 90। HTML का पूरा नाम क्या है? आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? ए VSNL, बी ITF, सी इंटरनेट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर
डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 92, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ए बस, बी ब्रॉडवे, सी गेटवे, डी पाथवे। आंसर सी गेटवे। प्रश्न संख्या 93, HTTP का उपयोग करती है? ए वेब पेज, बी सर्वर, सी वर्कशीट, डी वर्कबुक। आंसर ए वेब पेज। प्रश्न संख्या 94, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ए HTTP, बी WBC, सी FTP, डी MTP। आंसर ए HTTP। प्रश्न संख्या 95, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए मास्टर पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज, डी बैनर पेज। आंसर बी होम पेज। प्रश्न संख्या 96, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? ए नेटफिट, बी ब्राउजर, सी केबल, डी ये सभी। आंसर बी ब्राउजर। प्रश्न संख्या 97, और का संबंध किस क्षेत्र से है? ए गैर व्यावसायिक, बी शिक्षा, सी संगठन, डी व्यावसायिक। आंसर सी संगठन। प्रश्न संख्या 98, काम डोमेन का संबंध है? ए व्यापारिक संस्था, बी व्यक्तिगत विशेषता, सी कला से संबंध, डी ये सभी। आंसर ए व्यापारिक संस्था। प्रश्न संख्या 99, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। आंसर डी 1995। प्रश्न संख्या 100, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ए यूजर आईडी, बी यूजर एड्रेस, सी URL, डी ये सभी। आंसर सी URL।